अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड निकला है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जू जू विद द पैसेज ऑफ टाइम ह्यूमन बींग्स दे गेट मोर इन्फॉर्म्ड अबाउट द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर ज़्यादा समझ आ रहा है, तो क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हमारी स्मार्ट हो रही हैं। स्मार्ट का मतलब साइज में कम लेकिन पावर और एबिलिटी में ज़्यादा हो रही, ठीक है। ये कंप्यूटर, मोबाइल्स, ये सब, गाड़ियों में भी इवन ये एसी वगैरह, ये सब आर द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हम पढ़ेंगे, वो सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, हाफ चैप्टर ये, जिसे हम CRO कहते हैं। अच्छा, CRO क्या है? इज अ ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस। मेनली ये ग्राफ बनाती है। इसकी जो सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल वो है मूवीज में या हॉस्पिटल्स में जो हार्ट बीट डिस्प्ले होता है ना, बताते जिसमें हार्ट बीट नज़र आ रही होती, ठीक है, वो ये CRO ही होती है। एक्चुअली ये ग्राफ प्लॉटिंग डिवाइस है, और फिजिक्स में एक्चुअली ये किस लिए यूज होती है? वेव्स या वोल्टेज या करंट्स का ग्राफ बनाने के लिए। अच्छा, ग्राफ की जो बड़ी फॉर्म है ग्राफिक्स है, पिक्चर। तो ये जितने पुराने वाले टेलीविजन है ना, LCD से, LED से पहले, या जो पिछले कंप्यूटर मॉनिटर, CRT मॉनिटर जो पीछे से बड़े होते हैं, LCDs नहीं पूरा, वो सब एक्चुअली इसी की एडवांस फॉर्म थे CRO की, ठीक है। अच्छा, CRO पे वापस आ जाएं। CRO कैथोड ऑसिलोस्कोप का मतलब क्या होता है? कैथोड कहते हैं नेगेटिव, और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स, और रे होता है बीम। तो कैथोड रे का मतलब इलेक्ट्रॉन बीम, और ऑसिलोस्कोप ना ऑसिलेट से निकला है, रोटेट करना, रोटेटर। यानी ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन बीम रोटेटर है। अब क्वेश्चन है कि इसके मेन पार्ट्स, ये इलेक्ट्रॉन बीम कहाँ से आती है? तो इसके मेन पार्ट फिलामेंट हैं, और बीम बनाने के लिए नेगेटिव ग्रिड और पॉजिटिव एनोड यूज होते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे अभी। इस पोर्शन को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन, आगे इंशाल्लाह डायग्राम भी पूरी देखेंगे। और रोटेट करने के लिए हमें यूज करते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट, एक्स और वाई प्लेट्स, दो पेयर्स यानी चार प्लेट्स होती हैं। अब सबसे पहले इस चीज़ से बनाने कैथोड रे या बीम कैसे आएगी, उसके लिए हम यूज करते हैं फिलामेंट। फिलामेंट जो स्प्रिंग की शक्ल का होता है, ये हम फिलामेंट बल्ब में भी देख सकते हैं, गाड़ियों में जो बल्ब अभी भी यूज होते हैं, पुराने येलो बल्ब, उनमें फिलामेंट स्प्रिंग जैसा लगा। एक्चुअली वो देखने में ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। वो जो स्प्रिंग है वो एक्चुअली एक स्प्रिंग को भी स्प्रिंग फॉर्म, यानी डबल टाइम कॉइल किया होता है। इनफैक्ट जो उसकी लेंथ नजर आ रही है, वो लेंथ उससे बहुत बड़ी बड़ी होती है। एक वायर को स्प्रिंग बनाए तो लेंथ छोटी हो जाती है ना, इसका मतलब दो मरतबा कॉइल करने पर ये जो हमें स्प्रिंग की लेंथ नजर आ रही, रियल में लेंथ उससे बहुत बहुत ज्यादा है। और बेटा अगर गौर करें ना, फिलामेंट बल्ब में दो मरतबा कॉइल होने पर भी वो जब तक जलना ना रहा हो, इजिली नजर नहीं आता ये। यानी इस वायर की थिकनेस या एरिया क्रॉस सेक्शन बहुत बहुत कम है। तो लेंथ का ज्यादा होना और एरिया का कम होना, ये किसी भी वायर को रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। ये टंगस्टन का यूजली बना होता है, और इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है फिलामेंट की। मतलब जिसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, उसकी हीटिंग बहुत ज्यादा होती, यानी एक थोड़ा सा करंट भी इसको बहुत ज्यादा हीटअप कर देगा, बहुत ज्यादा हीटअप। अब वो थोड़ा सा करंट चाहे आप सेल इस तरह लगाएं या इस तरह लगाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिलामेंट की रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, उस हाई होने से ये होता है इफेक्ट कि वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है। और वो टंगस्टन का बना, जिसका मेल्टिंग पॉइंट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, तो टंगस्टन इतना हीटअप हो जाता है कि आम मेटल्स तो वहां तक जा ही नहीं सकती, वो उस तक पहुंचने से पहले पहले ही मेल्ट हो चुकी होती है। तो टंगस्टन बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, और ये बहुत, क्योंकि ज्यादा हीटअप होता है, आम मेटल्स इस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचती। तो इतनी हाई टेम्परेचर पर कोई मेटल अगर पहुंच जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं उसमें से, उसके इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलने लग जाते हैं, एमिट होने लग जाते हैं। इसको हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। तो जब फिलामेंट हीटअप हो जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पर, आम मैटर्स नहीं पहुंचती वहां पर, तो वो उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं। इसे कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। वो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाते हैं,
और इलेक्ट्रॉन के निकलने प्रोसेस को थर्मियोनिक एमिशन कहते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम थर्मियोन्स कहते हैं। तो ये है फिलामेंट। फिलामेंट में से छोटे से सेल से, अच्छा बल्ब सेल जैसे मर्जी उल्टा भी करने कोई फर्क नहीं पड़ता, हीटअप होकर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, इधर भी कहीं भी जा सकते हैं। हमने उन्हें एक बीम की शक्ल देनी है, तो बीम की शक्ल देने के लिए ये एक नेगेटिव ग्रिड रखी जाती है, क्योंकि ग्रिड एक ट्यूब की शक्ल में जिससे देखें सिर्फ इसमें एक ही ओपनिंग है, उसमें नेगेटिव चार्ज है, सो इलेक्ट्रॉन्स भी नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड पे नहीं जाएंगे कहीं भी। जैसे ये समझ लें इस पेन में ये जो आप देखते हो ना निब जहाँ से निकल रही है, सिर्फ एक होल है पिन के लिए और कोई नहीं है, वो पेन अगर मैं पेन की निकालूंगा तो सिर्फ उसी होल से बाहर निकलेगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स को कवर किया हुआ बीम ने इस ग्रिड ने चारों तरफ से, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास यहां से निकलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है और बीम पर भी नेगेटिव चार्ज, और ये बहुत पावरफुल नेगेटिव होता है, ये थाउजेंड्स ऑफ वोल्टेज होता है, और ये इतना हाई वोल्टेज स्टेप अप ट्रांसफार्मर से क्रिएट किया जाता है इसमें। अब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, अब इलेक्ट्रॉन को एक बीम की शक्ल तो दी जाती है, लेकिन उन्हें तेज एक गोली की तरह ले जाना है, तो उसके लिए ना हम सामने एक पॉजिटिव एनोड रख देते हैं, वो भी थाउजेंड ऑफ वोल्ट हाई पॉजिटिव एनोड होता है। वो पॉजिटिव एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, लेकिन ये अंदर से खाली होता है, कि इलेक्ट्रॉन जूं जूं इसके पास जाते हैं, इनका काम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करना है, जूं जूं इलेक्ट्रॉन इनके पास जाते हैं उनकी स्पीड तेज होती जाती है, तेज इतनी ज्यादा हो जाती है कि जब वो एनोड तक पहुंचते हैं और बीच का हिस्सा उन्हें खाली मिलता है, तो वो रोक नहीं पाते, वो सीधा का सीधा ही चले जाते हैं। और आगे ना एक फ्लोरिसेंट, यानी फ्लोरिसेंट होता है शाइनिंग या चमकने वाली स्क्रीन होती है जो जिंक सल्फाइड की बनी है, इलेक्ट्रॉन उस स्क्रीन पर पड़ते हैं, तो जहां इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं वहां हमें ग्रीन डॉट नजर आता है, ठीक है। अच्छा, बीच में दो पेयर ऑफ प्लेट्स आते हैं, वाई प्लेट्स और एक्स प्लेट्स, ठीक है। ये जो अभी ये एक्स और वाई प्लेट्स को अभी डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट लेसन में। ये जो हमें ट्यूब नजर आ रही है ये साइड व्यू, यानी कि हम साइड से देख रहे हैं, जैसे पेन को इस तरह से देख रहे हैं, अगर पेन को सामने से देखें या इस तरह से देखें तो वो देखने, अगर फ्रंट देखना है ना स्क्रीन को, ये साइड से देख रहे हैं जैसे पेन को इस तरह देख रहे हैं, तो अगर हम इस सीआरओ को फ्रंट से देखें तो हमें कुछ इस तरह से मिलेगी, वो स्क्रीन जो हमें यहाँ पर इस तरह नजर आ रही थी वो इस तरह नजर आएगी। अच्छा, ये स्क्रीन ना एक्चुअली एग्जैक्ट एक ग्राफ शीट होती है, यहाँ पर मैं पूरी ग्रिड नहीं ड्रॉ कर पाया, ठीक है, लेकिन ये पूरी एक ग्राफ शीट होती है जिसमें ये एक्स एक्सिस पर टाइम रखा जाता है और वाई एक्सिस पर वोल्टेज होता है। अच्छा, यहाँ जैसे हम आम नॉर्मल स्केल बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पर स्केल रखते हैं, हर ग्राफ की हर खास वैल्यू, एक स्क्वायर की बड़े स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी हम रखते हैं उसके अकॉर्डिंग, फिर वाई पर रखते हैं, तो वो वैल्यूज रखने के लिए दोस्त यहाँ पर ये कंट्रोल्स हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, उनमें से एक होता है एक्स सेटिंग्स, जिसे हम एक्स एक्सिस को, अभी ये कैसे करेंगे काम ये डिस्कस करेंगे, तो एक्स सेटिंग्स जो सी होती है ना वो एक्स एक्सिस की सेटिंग यानी हर स्क्वायर की वैल्यू को सेट करती हैं, और क्योंकि ये टाइम को वैल्यूज होती हैं एक्स एक्सिस पर, इसलिए एक्स सेटिंग्स को टाइम बेस्ड सेटिंग्स भी कहते हैं, और वाई सेटिंग्स जो सी होती हैं क्योंकि वहाँ वोल्टेज होता है वोल्टेज सेटिंग या वाई गेन भी कहते हैं, यहाँ वाई इनपुट्स है, ठीक है। ये अभी हम आगे जाके इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे डिटेल में इनको दोबारा।